हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश कुमार कुमावत, लेक्चरर इन सिविल इंजीनियरिंग एट श्री गोकुल वर्मा पॉलिटेक्निक कॉलेज भरतपुर। आज के वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो टॉपिक आपका फुटिंग है CE303 आरसीएस इंजीनियरिंग का टॉपिक है। ये टॉपिक हमने लॉकडाउन से पहले जो SCB के छात्र हैं वहाँ पर हमने पढ़ लिया था, लेकिन इसका आधा अधूरा सी रह गया था, तो इसको हम शुरू से वापस से पढ़ लेते हैं। अगर मैं किसी भी स्ट्रक्चर की बात करूं, तो अगर उस स्ट्रक्चर का जो ग्राउंड लेवल के ऊपर का पोर्शन होता है उसको हम सुपर स्ट्रक्चर बोल देते हैं, और जो ग्राउंड लेवल के नीचे का जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम बोलते हैं फुटिंग, सब स्ट्रक्चर या फिर फाउंडेशन। तो अब इस फुटिंग का कार्य क्या होता है? फुटिंग या सब स्ट्रक्चर या फिर आपका जो फाउंडेशन है उसका वर्क ये होता है कि ये जो सुपर स्ट्रक्चर के लोड को सेफली आपका ग्राउंड में ट्रांसफ़र कर देता है, सोइल में ट्रांसफ़र कर देता है। उसके बाद हम ये भी जानते हैं कि जो आपके स्ट्रक्चर में लोड ट्रांसफ़र होगा वो किस तरह से होता है। सबसे पहले जो स्लैब का लोड होता है वो बीम पे आता है, बीम से आपका कॉलम पे ट्रांसफ़र होगा, कॉलम से फुटिंग में और फुटिंग से सोइल में ट्रांसफ़र होता है। अब जो फुटिंग, जहाँ हम फुटिंग का निर्माण करते हैं उसके जो नीचे की सोइल होती है वो सोइल या तो आपकी सीयर में फेल होती है या फिर एक्सेसिव सेटलमेंट होने के कारण, सोइल का सेटलमेंट होने के कारण वो फेल हो जाती है। अब ये सब चीज़ें होने के बाद में हम देखते हैं कि जो हम फुटिंग को डिजाइन करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना होता है कि हमें ये ध्यान रखना होता है कि जो आपकी फुटिंग है, फुटिंग के नीचे जो सोइल है वो सीयर के अंदर फेल ना हो। अब हम इसमें जब फुटिंग को डिजाइन कर रहे होंगे तो हम ये भी जानते हैं कि फुटिंग के अंदर हम सीयर रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराते हैं, तो फुटिंग को सीयर के अंदर सेफ रखने के लिए हम उसकी डेप्थ पर डिपेंड होते हैं। अगर सीयर आ रही है, सीयर के अकॉर्डिंग हम फुटिंग की डेप्थ प्रोवाइड कराते हैं, या फिर यूँ कहूँ कि जो सीयर है वो ही डिसाइड करती है कि आपको फुटिंग की डेप्थ कितना रखना है। तो वो सब बात की बातें हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ लिखा हुआ है कि जो सोइल बिलो फुटिंग शुड बी सेफ बियर द लोड विदाउट एक्सेसिव सेटलमेंट। जो एक्सेसिव सेटलमेंट है आपका सोइल जो है वो आपका लोड को बिना सेटलमेंट हुए उसको बियर करना होता है, सोइल जो होती है उसकी फुटिंग के नीचे की। अब आपके सिलेबस में हम पढ़ते हैं केवल सेलो फुटिंग के बारे में बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू तैजागी, ये इस डायग्राम में आप देखोगे ये आपकी डी डेप्थ है और ये आपकी एल जो है फुटिंग की लेंथ है। तो डी एल बटे डी का रेशियो अगर 1 है तो हम उसको सेलो फुटिंग या सेलो फाउंडेशन बोल देते हैं। ये होता है आपका, आपके सिलेबस में हम केवल सेलो फुटिंग के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। अब अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग की बात करूं तो सबसे पहले फुटिंग का नाम इधर रहेगा और इधर वह फुटिंग कहाँ प्रोवाइड करी जाएगी उसके बारे में लिखा है। अगर फुटिंग आपकी आइसोलेटेड है, वह फुटिंग जो केवल एक कॉलम को सपोर्ट करे वो फुटिंग आपकी कहलाती है आइसोलेटेड फुटिंग। या इसको मैं ये कहूँ कि अगर हमें कोई कॉलम के नीचे की फुटिंग डिज़ाइन करनी है तो हम उस केस के अंदर केवल एक कॉलम की, तो उस केस के अंदर जो फुटिंग डिजाइन कर रहे हैं उसको हम आइसोलेटेड फुटिंग कहते हैं। कंबाइंड फुटिंग, वह फुटिंग जो दो कॉलम को सपोर्ट करे वो होती है आपकी
कंबाइंड फुटिंग, या अगर दो कॉलम एक साथ हमें कहीं पे प्रोवाइड कराने हैं तो उस केस के अंदर हम उनके नीचे जो फुटिंग डिजाइन करते हैं उस फुटिंग को हम कंबाइंड फुटिंग करते हैं। कंटिन्यूस या स्ट्रिप फुटिंग, किसी भी अगर वॉल के नीचे फुटिंग प्रोवाइड कराते हैं तो उस फुटिंग को हम कंटिन्यूस या स्ट्रिप फुटिंग करते हैं। या अगर यूँ कहूँ कि अगर जो फुटिंग की लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है उसकी विड्थ से, तो उसको हम कह देते हैं स्ट्रिप फुटिंग या कंटिन्यूस फुटिंग। नेक्स्ट है आपकी स्ट्रिप फुटिंग। स्ट्रिप फुटिंग क्या होती है कि मान लो दो कॉलम आपको प्रोवाइड करवाने हैं और उन दोनों के बीच में जो गैप है वो बहुत ज़्यादा है, उन दोनों के बीच में ज़्यादा गैप है, तो हम अलग अलग दो कॉलमों के नीचे अलग फुटिंग प्रोवाइड करा के उन उस पर फुटिंग पर आपका जो फुटिंग पर आपका जो लोड आएगा वो कैसा हो, वो लोड बैलेंसली दोनों पे इक्वल ट्रांसफ़र होवे, उस केस के अंदर इन दोनों कॉलम्स के बीच में हम एक बीम प्रोवाइड कराते हैं फुटिंग के अंदर, जिसको बोलते हैं स्ट्रिप बीम। ऐसे फुटिंग को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रिप फुटिंग कह देते हैं। नेक्स्ट है आपकी राफ्ट फुटिंग, या इसको मेट फुटिंग भी कहते हैं। ये कब प्रोवाइड कराती है, ये एक तो उस केस में प्रोवाइड करवाते हैं जिस केस के अंदर आपकी सोइल की जो बियरिंग कैपेसिटी है वो कम हो, और दूसरा कौन सा केस हो सकता है, दूसरा वह केस हो सकता है कि जो बिल्डिंग का प्लान एरिया जितना है उसका 50% से ज़्यादा अगर उसमें कॉलम प्रोवाइड करवाने की आवश्यकता है तो उस केस के अंदर हम राफ्ट फुटिंग या मेट फुटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। तीसरा लिखा हुआ है टू अवॉइड डिफरेंशियल सेटलमेंट। ये इसका क्या मतलब होता है, जो डिफरेंशियल सेटलमेंट है उसको अवॉइड करने के लिए भी हम राफ्ट फुटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। क्या होता है ये डिफरेंशियल सेटलमेंट, अब इस एक अगर मैं ये इस डायग्राम की बात करूं तो यहाँ आप देखोगे ये आपका कोई प्लान एरिया है, इसके अंदर मान लो ये कॉलम अपने को प्रोवाइड करवाने हैं, तो इसका जो ये एरिया है लेफ्ट हैंड साइड में इधर वाला, अब यहाँ तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो यहाँ तो रॉक्स वगैरह थोड़ी ग्रेवल टाइप से इस तरह की मिट्टी है और इधर क्या है सैंड है, तो इसके इस पर जब लोड आएगा तो ये उम्मीद की जाती है कि ये जो इधर वाला पोर्शन है वो इसकी तुलना में ज़्यादा सेटलमेंट होगा, ये ज़्यादा सेटलमेंट होगा जबकि ये कम सेटलमेंट होगा। तो ऐसी कोई साइट हो जहाँ पे एक तरफ तो ज़्यादा सेटलमेंट हो सकता है और दूसरी तरफ कम सेटलमेंट हो, अनइक्वल सेटलमेंट हो सके, होने की कंडीशन हो, वहाँ पे भी हम ये राफ्ट फाउंडेशन या मेट फुटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना है इसका कई बार आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है या फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर इसका बारे में पूछा जा सकता है कि डिफरेंशियल सेटलमेंट को अवॉइड करने के लिए हम कौन सी फुटिंग प्रोवाइड कराते हैं, तो आप वहाँ पे ध्यान रखना कि वहाँ हम राफ्ट फुटिंग या मेट फुटिंग प्रोवाइड करवाते हैं। ये था आपका जो फुटिंग का क्लासिफिकेशन था वो। अब नेक्स्टली हम बात करते हैं जो फुटिंग की डिजाइनिंग के लिए हमें पता ही है कि अपन फुटिंग डिजाइन के लिए वही IS 456 कोड यूज में लेते हैं, तो उसके कुछ IS कोड रिकमेंडेशन क्या क्या हैं फुटिंग को डिजाइन करने के लिए, तो उसके बारे में कुछ ध्यान
कर लेते हैं। क्लोज नंबर 34 है पेज नंबर 63 पे, कि जो पहला इसका रिकमेंडेशन है वो ये है कि मिनिमम थिकनेस ऑफ फुटिंग शैल नॉट बी लेस देन 150 mm, कि जो ये आपकी फुटिंग है, ये फुटिंग, इस फुटिंग की देखो ये थिकनेस है ना, ये थिकनेस जो टी लिखा हुआ है, ये जो थिकनेस है ये मिनिमम कितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू कोड, ये 150 mm से कम नहीं होना चाहिए। अब जो डेप्थ को कैलकुलेशन करने के लिए एक रेनकाइन फॉर्मूला होता है फाउंडेशन की या फुटिंग की डेप्थ निकालने के लिए, वो फॉर्मूला क्या होता है, डी एफ इक्वल टू क्यू अपॉन गामा, यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन फाई अपॉन 1 प्लस साइन फाई। सी और फाई जो होते हैं आपके वो सॉइल के पैरामीटर होते हैं, या आपने सेकेंड ईयर में इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया होगा। तो ये आप फॉर्मूला ध्यान रखना, कभी ऑब्जेक्टिव की पर्पस से पूछा जा सकता है। जो रेनकाइन फॉर्मूला डेप्थ फाउंडेशन निकालने का है वो ये है। अब मोमेंट के कुछ रिकमेंडेशन क्या है वो देख लेते हैं। द ग्रेटेस्ट बेंडिंग मोमेंट टू बी यूज इन द डिजाइन ऑफ एन आइसोलेटेड फुटिंग सेल बी एट सेक्शन लोकेटेड एज होलो। क्या मतलब हुआ इन चीज का, कि ये इसका मतलब होता है कि अगर अपन फुटिंग डिजाइन करेंगे तो हमें उसमें बेंडिंग मोमेंट निकालने की आवश्यकता होती है। तो बेंडिंग मोमेंट निकालने के लिए हमें एक क्रिटिकल सेक्शन की आवश्यकता होती है। तो फुटिंग के अंदर वो क्रिटिकल सेक्शन हम कहाँ मानते हैं और किस जगह उसके अंदर मोमेंट निकाले, और उस मोमेंट के अकॉर्डिंग अपन उसके अंदर रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करवाएं। तो अपने को ये ध्यान रखना होता है कि कौन सी जगह हम किसको हम क्रिटिकल सेक्शन माने और कि उस क्रिटिकल सेक्शन पे फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकाले। तो अकॉर्डिंग टू 456 इन्होंने ये कहा है कि अगर कोई फुटिंग किसी कॉलम या पेडस्टल को सपोर्ट कर रही है तो उस कॉलम के फेस पर आप क्रिटिकल सेक्शन मानो और उस क्रिटिकल सेक्शन पे फिर आप क्या करो, बेंडिंग मोमेंट निकाल लो। तो अगर आपकी फुटिंग किसी कॉलम को सपोर्ट कर रही है या पेडस्टल को सपोर्ट कर रही है तो उस कॉलम के फेस पर हम क्या करेंगे, क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे और उस क्रिटिकल सेक्शन पर फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे। उस बेंडिंग मोमेंट के अकॉर्डिंग हम एरिया ऑफ स्टील उसके अंदर प्रोवाइड करवाएंगे। ये तो था जब आपका जो फुटिंग है वो किसी कॉलम या फिर पेडस्टल को सपोर्ट कर रही हो। यदि कोई मेसनरी वॉल है और उसको आपकी फुटिंग सपोर्ट कर रही है तो इस केस के अंदर फिर हम कहाँ क्रिटिकल सेक्शन माने, इस क्रिटिकल सेक्शन ये मानेंगे, जैसे मान लो ये आपकी एक क्या है, ये आपकी है मेसनरी वॉल, तो पॉइंट बी में लिखा हुआ है हाफ वे बिटवीन द सेंटर लाइन एंड एज ऑफ द वॉल फॉर फुटिंग अंडर ए मेसनरी वॉल। तो इसका हाफ वे कौन सा होगा, जो ये होगा इसका सेंटर लाइन, ये रही जो नीले पेन से डॉटेड है वो हो गई आपका सेंटर लाइन, और जो एज है वॉल का वो ये हो गया। अब इन दोनों के बीच की जो सेंटर लाइन है वो है आपकी ये डॉटेड लाल पेन से हमने लिख रखी है, इस जगह हम क्रिटिकल सेक्शन मानते हैं और इस क्रिटिकल सेक्शन पर फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। तो ये तो एज ऑफ वॉल हो गया और ये आपकी सेंटर लाइन हो गया, और इन दोनों के बीच का जो ये मिड लाइन है, लाल पेन से डॉटेड लाइन है, यहाँ पे हम वो निकालते हैं आपका क्रिटिकल सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट। ये पॉइंट्स आप है ना ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, ये जेएन के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं और अब तो आपके जो डिप्लोमा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे उनके अंदर भी पूछा जा सकता है। ये बात हो गई मोमेंट की, अब हम बात करते हैं शियर की। अब फाउंडेशन क्या है, फाउंडेशन के अंदर दो टाइप के
सीयर होते हैं, एक तो वन वे सीयर, दूसरा टू वे या पंचिंग सीयर। तो ये सीयर ही फाउंडेशन की डेप्थ को डिसाइड करते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, फाउंडेशन की डिजाइन के अंदर आप सीयर रिइंफोर्समेंट नहीं प्रोवाइड कराते हो। आपको अगर फुटिंग की डिजाइन को सीयर में सेफ रखना होता है, तो वो केवल और केवल डिपेंड होता है उसकी डेप्थ पर। तो सीयर ही डिसाइड करती है कि आपको फुटिंग की डेप्थ कितना रखना है। तो वन वे सीयर तो वो ही जो हम पहले पढ़ते आए हैं उसी हिसाब से प्रोवाइड करवाएंगे कि जो टॉ वी है वो टॉ सी से कम रहे क्रिटिकल सेक्शन पर, उसी हिसाब से हम डेप्थ अकॉर्डिंग टू मतलब वन वे सीयर को वही एजम्पशन मान के पढ़ेंगे जो अपन पहले पढ़ते आए हैं टो वी लेस देन टो सी। और टू वे सीयर के अंदर जो पंचिंग सीयर है, पंचिंग सीयर के अंदर जो टो वी है वो लेस देन होना चाहिए के टो सी से। टो सी जो होता है वो होगा मैक्सिमम आपका 0.25 रूट एफ सी के, और यहाँ पे के जो निकालते हैं वो होता है एक से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और इसको निकालने के लिए हम ये यूज करते हैं 0.5 प्लस बीटा, और बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं शॉर्ट डायमेंशन ऑफ कॉलम डिवाइड बाय लॉन्ग डायमेंशन ऑफ कॉलम। तो यहाँ ये था। अब इसके अंदर सीयर के अंदर हम कहाँ क्रिटिकल सेक्शन माने और कहाँ सीयर फोर्स की वैल्यू फाइंड आउट करें वो देख लेते हैं। तो अगर मान लो आपका अकॉर्डिंग टू 4-5-6 यदि कोई वन वे सीयर के लिए हम कॉलम के एज से कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस के बाद डी यहाँ पे होती है आपकी डेप्थ ऑफ इफेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम फेस ऑफ कॉलम जो क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे वो होगा डी डिस्टेंस फ्रॉम द फेस ऑफ कॉलम, और डी क्या है यहाँ पे डी है इफेक्टिव डेप्थ ऑफ कॉलम। तो यहाँ से जो हम कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर ये क्रिटिकल सेक्शन मानते हैं, और इस क्रिटिकल सेक्शन पर हम शेयर फोर्स निकालते हैं। तो फोर्स निकालने का तरीका वही होता है, स्ट्रेस जो शेयर फोर्स निकाल रहे हैं तो स्ट्रेस को किससे एरिया से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो शेडेड एरिया है उसको हम अपलिफ्ट प्रेशर से गुणा करके ये निकाल लेते हैं क्या शेयर फोर्स की वैल्यू। ये चीज़ें हम इसको भी अच्छे से जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो इस इनकी जो ये आपकी जो स्टेप है डिजाइनिंग स्टेप, इनको क्वेश्चन के साथ ही मैं अच्छे से समझा दूंगा। अभी एक बार के लिए ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना कि कॉलम के फेस से डी डिस्टेंस पर हम क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे किसके अंदर, वन वे शेयर के अंदर। और टू वे शेयर दोनों डायरेक्शन में आएगा जो आपका फेस ऑफ कॉलम से डी बाई टू डिस्टेंस पर चारों ओर ये आपका क्रिटिकल सेक्शन होगा दोनों वे के अंदर, इस डायरेक्शन में भी और एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों में। जबकि वन वे शेयर में एक ही डायरेक्शन के अंदर हम यूज करेंगे और कॉलम से डी डिस्टेंस पर के बाद का जो एरिया होगा वो ले लेंगे फिर हम इफेक्टिव एरिया एरिया के बारे में, या इसको डी डिस्टेंस पर अपन क्रिटिकल सेक्शन मानेंगे और वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये बात हो जाती है आपकी शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स में अगर आपको एजम्पशन ध्यान रखना है, वो एजम्पशन क्या ध्यान रखना है कि क्रिटिकल सेक्शन कहाँ मानेंगे, वन वे शेयर के अंदर तो कॉलम फेस से डी डिस्टेंस पर, और टू वे शेयर के अंदर कॉलम फेस से डी बाई टू डिस्टेंस पर हम क्रिटिकल सेक्शन मानते हैं और वहाँ पे शेयर फोर्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। अब ये जो फॉर्मूला है कि जो शेयर फोर्स निकालेंगे वो अपलिफ्ट प्रेशर को हम इस शेडेड एरिया से गुणा कर देते हैं। अपलिफ्ट प्रेशर कैसे होता है, अपलिफ्ट
अपलिफ्ट प्रेशर के बारे में जानने के लिए हम क्या करते हैं कि जो कॉलम के ऊपर जो लोड आता है उस लोड के कारण जो नीचे से सोइल कितना ऊपर की ओर प्रेशर लगाती है उसको हम अपलिफ्ट प्रेशर बोलते हैं, जो मैं क्वेश्चन के अंदर आपको ढंग से इसको क्लियर कर दूंगा। अब फुटिंग के अंदर जो रिइंफोर्समेंट है उनके बीच में जो क्लियर कवर है वो हम मिनिमम कितना प्रोवाइड कराते हैं, वो करवाते हैं हम 50 mm। तो इस वीडियो में हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद इसका एक क्वेश्चन हम सोल्व कर लेंगे जिससे हमारा सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। तो ये आपके कोडल प्रोविजंस थे और बेसिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ फुटिंग था वो था, बेसिक डेफिनेशन थी। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर इसका एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे और उस क्वेश्चन से फिर आपका सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।